मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बीजेपी कार्यकर्ताओं से मास्क लगाने की अपील की और कहा कि वो घर से ही लोगों को मास्क लगाने के लिए प्रेरित करें और कोरोना बचाव के लिए मास्क ही प्रभावी बचाव है। भोपाल में आरडी ब्रिज से प्रदेश भाजपा को संबोधित करते हुए सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि अब जिस ढंग से कोरोना महामारी बढ़ रही है, इस विकट कोरोना महामारी को रोकने के लिए एक साथ जूझने की आवश्यकता है। प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन हमें निरंतर मिल रहा है, जो हमारी असली ताकत है। सीएम ने कहा कि मैं अपने कार्यकर्ता बहनों और भाइयों से अपील करता हूं कि आप कोरोना से लड़ाई में सहयोग करें। आपके माध्यम से मंडल अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष, विधायक, सांसद, पदाधिकारीगण, मंत्रीगण, हर कार्यकर्ता जनता को पूरी तरह से कोरोना संक्रमण की लड़ाई जीतने के लिए प्रेरित कर सकता है। वहीं सीएम ने कहा कि संक्रमण ऐसा नहीं है जिससे अकेली सरकार निपट ले। मैं मुख्यमंत्री के नाते आपको ये विश्वास दिलाता हूँ कि हर परिश्रम की पराकाष्ठा कर रहे हैं। अस्पताल भर गए हैं और ऐसे में बिस्तरों की संख्या बढ़ाने के लिए बड़े प्राइवेट अस्पताल भी कई जगह लिए जा रहे हैं। कोविड के सेंटर भी हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं। सीएम ने जन सहयोग की अपील करते हुए कहा कि इस महामारी से बचने के लिए हम सभी को अपने स्तर पर सहयोग करना होगा। सबसे पहले तो हम स्वयं मास्क लगाए, उसके बाद दूसरों को उसके लिए प्रेरित करें। मास्क ही सबसे उचित माध्यम है इसकी चेन तोड़ने का। हमें अपने साथ साथ अपनों का ख्याल रखना है। इस बीमारी से निपटने के लिए एक एक व्यक्ति का सहयोग आवश्यक है। प्रधानमंत्री जी के कुशल नेतृत्व में हमने पहले भी कोरोना के खिलाफ सफल लड़ाई लड़ी है और अब जिस ढंग से कोरोना बढ़ रहा है, संकट भयावह हो रहा है, विकट हो रहा है, इसलिए हम सबको मिलके कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए जूझने की आवश्यकता है। प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन निरंतर हमें मिलता है, जो हमारी असली ताकत है। मैं अपने कार्यकर्ता बहनों और भाइयों से, क्योंकि आपके माध्यम से आप मंडल अध्यक्ष हैं, जिला अध्यक्ष हैं, विधायक साथी हैं, सांसद साथी हैं, पदाधिकारी हैं, मंत्रीगण हैं, हम सब हर कार्यकर्ता को पूरी तरह से कोरोना संक्रमण की लड़ाई जीतने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। देखिए, संक्रमण ऐसा नहीं है कि जिससे अकेली सरकार निपट ले। मैं मुख्यमंत्री के नाते आपको यह विश्वास दिलाता हूं कि हम परिश्रम की पराकाष्ठा कर रहे हैं। अस्पताल भर गए हैं, उनमें कैसे बिस्तरों की संख्या बढ़े, प्राइवेट अस्पताल भी कई जगह लिए जा रहे हैं, कोविड केयर सेंटर भी हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं, इलाज की व्यवस्था कैसे सुचारू चल सके, इसमें हम कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे। एक तरफ इलाज की बेहतर व्यवस्था, दूसरी तरफ प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से वैक्सीनेशन को तेजी से आगे बढ़ाने का अभियान। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण चीज है कार्यकर्ता साथियों, कि संक्रमण को रोकने के लिए अगर मास्क लगा ले सब, तो इसी में जनता के सहयोग की आवश्यकता है। अस्पताल जाने की जरूरत ही ना पड़े, आखिर अस्पताल में बिस्तरों की भी तो सीमा है। आज संक्रमित पेशेंट्स की संख्या 3300 से ज्यादा आई है। हालांकि ये अलग बात है कि हमारे पड़ोसी राज्यों में तो स्थिति बहुत भयानक है, 50,000 केस एक दिन में नए आ रहे हैं, लेकिन हमारे यहाँ स्वास्थ्य की सुविधाओं की सीमा है। मैं अधिकतम बढ़ाने का प्रयास करूंगा, मेरी टीम, सरकार की टीम कोई कसर नहीं छोड़ेगी, जितनी बेहतर सुविधाएं हो सकती है वो उपलब्ध कराने की कोशिश करेंगे, बढ़ाने की कोशिश करेंगे। लेकिन उपाय है संक्रमण रोकना, और संक्रमण रोकने के लिए जरूरी है कि हर एक मास्क लगाए। सबसे पहले तो मैं आपसे अपील करूंगा, आप में से कोई बिना मास्क के ना रहे, क्योंकि आप स्वस्थ रहोगे तो जनता को प्रेरित करने में मदद मिलेगी। मैं अभी देख रहा हूं कि कई बार हमारे विधायक साथी, सांसद साथी भी इसकी चपेट में आ जाते हैं। इसका अर्थ ये नहीं है कि वो लापरवाह हैं, हो सकता है जनता से मिलने के कारण आते हों, लेकिन पहला मंत्र मैं आप सबको निवेदन करना चाहूंगा, हम मास्क लगाएं, हमारे परिवार को मास्क लगाएं, ताकि हम संक्रमित ना हो, हमारा परिवार संक्रमित ना हो। और इसके बाद जैसा माननीय अध्यक्ष जी ने बताया, देखिए बिना जनता को साथ लिए हम सफल नहीं हो सकते, क्योंकि संक्रमण अगर रोकना है तो जनता की सहभागिता चाहिए, उनकी सकारात्मकता चाहिए, उनका सहयोग चाहिए।